भारत के हिजाब विवाद में पाकिस्तानी मीडिया कूद गया है। पाकिस्तान की मीडिया ने भारत सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान ने हिंदुत्ववादी सरकार के तहत मुस्लिमों के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान के अलावा टर्की, बांग्लादेश समेत हांगकांग भी इसमें शामिल है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा, यह हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के समय का ध्रुवीकृत भारत है। लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट या फिर ग्लोबल टाइम्स कभी ये नहीं कहते कि उनके यहां किसी को अपना धर्म फॉलो करने की आजादी क्यों नहीं है। चीन में क्यों उइगर मुसलमानों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है? मौलाना साहब, आपका क्या मानना है इस पूरे मामले पर? पहली बात ये कि 5 सूबों में भारत के इस वक्त इलेक्शन है और ये सब इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। क्यों? इस वजह से कि अभी पीछे असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो हमला हुआ वो भी बाई प्लान हमला था और ये भी बाई प्लान है। पाकिस्तान हमारे मुल्क में ना बोल सकता है ना उसको बोलने की ताकत है, लेकिन हम ये सुनते चले आए थे कि पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान को वैसा कर देंगे। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब हमारा पीएम पाकिस्तान में बगैर इत्तला दिए हुए वहां जाके बिरयानी खा के आ जाता है और उसको ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं क्यों जा रहा हूँ। तो पाकिस्तान का हमारे मुल्क में बोलना, ना हम उसे बुलवाना चाहते हैं ना वो बोलना चाहता है। एक बात तो ये रही, दूसरी बात ये है कि नहीं बोलना तो वो बहुत चाहता है, हम बुलवाना नहीं चाहते, हम उसको जवाब देना चाहते हैं। मैं अच्छा ठीक है, पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये हिजाब विवाद जो हो रहा है, क्या यहाँ पर कानून माना जाएगा या यहाँ पर उसके जरिए पॉलिटिक्स की जाएगी? कानून कहता है कि यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है, जो स्कूल डिसाइड करते हैं या राज्य सरकार डिसाइड करती है। मेरी बात सुनिए, अगर जो भी कानून 84 से 75 से 76 से 2010 से 15 से 20 से था, 2014 से हमारा पीएम बैठा हुआ है जिसने उसको नहीं, पहली बात तो आप जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे लगता है वो थोड़ा सा पार्लियामेंट्री नहीं है। बैठा हुआ क्या होता है सर? वो पीएम है, उनके लिए इज्जत के लफ्जों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके लिए भी बड़े इज्जत के लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जिस अंदाज से बात कर रहे हैं वो नागवार गुजरने वाला है थोड़ा सा, ठीक है? नागवार नहीं है सर, वो एक रेस्पेक्टेड पोस्ट है, आप उसके लिए रेस्पेक्ट जाहिर कर सकते हैं थोड़ा सा। अरे रेस्पेक्ट तो सारी जनता ने कर लिया, 80 और 20 का क्या चल रहा है, 80-20 क्या चल रहा है? आप सारा जनता को मरवाना चाहते हैं। देखिए यही से इंटेंट जाहिर होता है, आपको जो भी बोलना है। देखिए शोएब जमाई भी हमारे साथ हैं, तस्लीम रहमानी साहब भी हमारे साथ हैं, पुष्पेश जी भी हमारे साथ हैं, उन किसी की लैंग्वेज में मैंने ये वो फील नहीं किया जो आपकी लैंग्वेज में फील कर रहा हूं मैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको जो भी कहना है आप उस लैंग्वेज में के दायरे में रहकर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग तो लोगों को बताते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।